नामदार पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कर करके मालाएं पहनने लगे और कहने लगे, हमने वन रैंक पेंशन वार्ड को लागू कर दिया, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। भाइयों बहनों, ये कितना बड़ा धोखा था। उन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया, कितना झूठ बोलने की इनकी ताकत है, वो देश की जनता को कितना मूर्ख मानते हैं। और देश के जवान जो ईमानदारी से मां भारती के लिए मरना यही उसको सिखाया गया है, आप उसके पीछ में छुरा फोंकते हो, आप उसके आंखों में धूल झोंकते हो। भाइयों बहनों, सिर्फ 500 करोड़ देकर के बातें करने वाले लोग, और वो भी कागज पे, बजट में से तो कहीं निकला नहीं, एक नया पैसा नहीं निकला। हम आए, हमने वादा किया था हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। मैंने सारी फाइलें निकाली, कागज निकाले, मैंने कहा भाई 500 करोड़ रुपए आए इस बार ले दीजिए। जब हिसाब किताब लगाया, वन रैंक वन पेंशन के लिए जब हमने लागू किया तो अब तक 35,000 करोड़ रुपया सेना के परिवारों में हमने पहुंचाया। कहां 500 करोड़ का झूठा वादा और कहां 35,000 करोड़ रुपये दे दिए, उनके खाते में जमा हो गए। ये कितना झूठ बोलते हैं। और देश की भोली भाली जनता ने इनके झूठ को सच मान करके आंखें बंद करके उनके थैले भर दिए, और उसी के कारण आज देश को रोने की नौबत आई है। भाइयों साथियों, देश की रक्षा करने वालों से झूठ बोलने, उन्हें सम्मान न देने की इसी कांग्रेसी सोच के चलते 7 दशक तक हमारे देश में नेशनल वॉर मेमोरियल भी नहीं बना। हमारे देश के जवान कहते रहे